नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ पहुंची। इस बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट की प्रतिक्रिया भी सामने आई। सचिन पायलट कहते हैं कि इस यात्रा का उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जो न्याय से वंचित रह गए हैं, जिनका कोई नहीं सुन रहा। वहीं उन्होंने बताया कि यात्रा को छत्तीसगढ़ में अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। यात्रा चालू हुई थी 14 जनवरी को इम्फाल मणिपुर से, जिस राज्य में इतना हिंसा उस राज्य ने देखी और इतना वहाँ पे आक्रमण हुआ लोगों के ऊपर, बहुत लोग दुखी थे, परेशान थे, तो उन लोगों को सुनना समझना, वहाँ पर वापस शांति बहाली की कोशिश राहुल जी भी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, लेकिन सरकार वहाँ से गायब रही है। लेकिन यात्रा का उद्देश्य है कि न्याय उन लोगों को मिले जो वंचित रह गए हैं, श्रमिक हैं, नौजवान हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, जिनकी भागीदारी और हिस्सेदारी इस मुख्यधारा में नहीं हो पा रही है, जिनकी आवाज़ को कुछ सुन नहीं रहा, उनकी आवाज़ को बल देने के लिए यात्रा निकल रही है और लोगों को जोड़ने के लिए निकल रही है। जो रिस्पॉन्स हमें दिख रहा है इस पूरे राज्य में, छत्तीसगढ़ में 2 दिन हो गए हैं और लोग जुड़ना चाहते हैं, उस भावना से जुड़ना चाहते हैं, उस विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, तो उस हिसाब से बहुत कामयाब यात्रा हो रही है। अभी 2 दिन और हैं, मुझे लगता है कि बहुत शानदार यहाँ पर उसका यात्रा को लोग उसको रिसीव करेंगे, उसमें भागीदारी बनेंगे उस पूरी यात्रा में। और राहुल जी ने हमेशा कहा है, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जल जंगल जमीन, हमारे जो आदिवासी क्षेत्र हैं, यहाँ पर उनके व्यक्तिगत और सामूहिक हितों को नजरअंदाज कर अगर उसका कहीं धुआं हो रहा है खदानों का या जंगल कट रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, तो उसके संदर्भ में भी हम चाहते हैं कि न्याय वहाँ पर हो और लोगों की आवाज़ सुनी जाए। तो इस पूरे सिलसिले को देखते हुए मुझे लगता है कि कामयाब यात्रा रहेगी और छत्तीसगढ़ में इसका अभूतपूर्व यहाँ पर रिसेप्शन। बीजेपी ने राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए 2 उम्मीदवार घोषित कर दिए। चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौड़ को उम्मीदवार बनाया। राजस्थान में राज्यसभा के लिए 3 सीटों के लिए चुनाव होना है। 2 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों को टिकट देकर आदिवासी और ओबीसी को साधा। मदन राठौड़ मूल ओबीसी हैं। पहले चर्चा थी कि वरिष्ठ नेता अलका गुर्जर को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन पार्टी ने उनके स्थान पर मदन राठौड़ को उम्मीदवार बनाकर ओबीसी दांव खेला है। नमस्कार, आज मुझे राजस्थान से राज्यसभा के सांसद के में उम्मीदवार के रूप में मुझे चुना गया, उसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय सीपी साहब, सीपी जोशी साहब, और हमारे केंद्रीय और प्रदेश के नेतृत्व को मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि मुझ पे जो हमारे भारतीय जनता पार्टी में विश्वास मेरे ऊपर किया है उसका मैं खरा उतरूँगा। भगवान मुझे शक्ति दे और भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का एक ताकत के रूप में अपने आप को सम्मिलित करने के लिए कटिबद्ध रहूँगा। धन्यवाद। जय भारत। राजस्थान से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टॉप नेता कहीं से भी चुनाव लड़े, इस बार बीजेपी 400 से ज्यादा सीट पर जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने यहाँ पे चिट्ठी लिखी है कि सोनिया गांधी को राज्यसभा से भेज दिया जाए। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कांग्रेस में, कांग्रेस क्या है कि 4 लोगों की पार्टी है। कांग्रेस में मम्मी बेटा है एक, तो और एक जीजीर जिया जी हैं। ये 4 लोग पार्टी के मूल का चलाने वाले, इन में लेके सिमट के रह गई पार्टी। और कांग्रेस में जितनी अंतर कलह और गुटबाजी है उतनी अन्य किसी पार्टी में, पार्टियां बची कहाँ है, वो पार्टी भी बोलें तो पार्टियों के रूप में है नहीं। तो कांग्रेस की अंतर कलह और जो गुटबाजियाँ हैं
वो ये दर्शाती है कि उनके पास में न तो कैंडिडेट है और न उनके पास में कोई विज़न है और न इस राष्ट्र की सेवा का कोई उनके पास दायित्व और कर्तव्य है, और लोगों ने उनको डिलीट भी मार दिया है। तो इसलिए इस प्रकार की अब स्थितियाँ बन गई इनको कि इनके पास कैंडिडेट भी नहीं है और ये परिवार में आपस में जैसी परिवार पार्टी चला रही है उसी परिवारवाद को यहाँ इन्होंने पहले भी कर रखा था और वापस से और ही करना चाहते हैं। लेकिन लोग, ये भारतीय जनता पार्टी यानी जनता की पार्टी है, विराट परिवार है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का जो काम हो रहा है विकास का, उसमें ये जितने भी प्रयास किसी भी रूप के कर लें, इनकी गुटबाजी बना लें, ग्रुपबाजी बना लें, परिवारवाद कर लें, ये सब फैल होगा और इस बार 400 पार होगा। लड़ने तो कहीं से भी, हमें कहाँ समस्या है, उनको उनका जहाँ इच्छा हो वहाँ लड़े। अब उनके लिए जगह कहीं बची नहीं है, अब वो लड़ने की स्थिति में है नहीं है, तो इसलिए इस प्रकार के वायुमंडल बनाया जा रहा है। वो कहीं से भी लड़ो, ये जो मेरे पीछे आप कमल का फूल और मोदी की गारंटी और जिस प्रकार विकास के कार्य हो रहे हैं और राम राज्य की पुनः स्थापना हुई है, तो उन सबको देखते हुए कोई कहीं से भी लड़ो, इस बार 400 पार। ड्रेस कोड को लेकर जो कानून की बात कर रहे थे आप, अभी तक ये आने की संभावना कब तक है? अभी चर्चा प्रारंभ हुई है, स्कूलों में अपने आप शुरुआत हो गई है। ये कानून से पहले ही आप माने कि आप खुद स्वयं स्कूलों में देखें, बच्चे अभी स्कूल ड्रेस में आ रहे हैं और बड़ी खुशी से आ रहे हैं, उन्हें कोई ना कोई रोक है ना टोक है। ये तो कुछ लोगों ने इस प्रकार का माहौल बनाना चाहा था कि भाई ये ड्रेस कोड के बहाने हम राजनीति चलाएंगे, लेकिन ये राजनीति का विषय नहीं है, ये स्कूल प्रशासन का विषय है। और बच्चे आपस में घुले मिलें, आपस में एक दूसरे का प्रेम भाईचारा बने, उनमें किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का मतभेद जातिगत धर्म के अनुरूप ना हो, तो उसको बच्चे अब समझते हैं। बच्चों में डालने का जो प्रयास कर रहे थे वो भी विफल हो चुके हैं। स्कूलों में आप देखें, उन्हीं सब स्कूलों की जहाँ की चर्चा आई थी वहीं पर आप जाके देख सकते हैं, आज सारे बच्चे स्कूल ड्रेस में आ रहे हैं, राष्ट्रगान भी हो रहा है, वंदे मातरम भी हो रहा है। कांग्रेस में गुटबाजी भी आप आज कर रहे हैं, जोधपुर में जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं कि प्रधानमंत्री जो है एक बार फिर से चाहिए, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत नहीं चाहिए, तो क्या बीजेपी में गुटबाजी नहीं है? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है, ये कोई हो सकता है कांग्रेस ही का षड्यंत्र हो, कांग्रेस ही ने किसी ने अपनी तरफ से लगाया हो। भारतीय जनता पार्टी एक विराट परिवार है, परिवार के सब सदस्य समान रूप से हैं, या कार्यकर्ता कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, कार्यकर्ता कार्यकर्ता है, और उसी कार्यकर्ता के रूप में ये विराट परिवार जो है पूरे दुनिया में ऐतिहासिक बड़ी पार्टी के रूप में है। यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, ये तो कांग्रेस के किसी आदमी ने लगा दिया होगा अपनी तरफ से, उन्होंने फालतू खर्चा। देश की सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार को पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी हैं। राजस्थान की बात करें तो आज नागौर में पेट्रोल 99 पैसे सस्ता होकर 109.3 और डीजल 89 पैसे सस्ता होकर 94.22 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं बीकानेर में पेट्रोल 1.08 रुपये महंगा होकर 112.16 और डीजल 97 पैसे महंगा होकर 97.5 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। राजस्थान के शिक्षा और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने बारा जिले के एक गांव में रात्रि प्रवास किया और बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। साथ ही मदन दिलावर ने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर वहां की समस्याओं को भी जाना। मदन दिलावर अंता के निकट बालाखेड़ा गांव में प्रवास पर रहे, बीजेपी के आओ गाँव चले अभियान के तहत मंत्री यहाँ पहुंचे थे। राजस्थान में जयपुर के एक बाल सुधार गृह में 23 किशोर कैदी फरार हो गए। सूचना मिलते ही ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस समेत कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस का कहना है कि फरार किशोर कैदी की तलाश के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई हैं, जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा। 10 घंटे के बाद 4 को दबोच लिया गया है और 19 किशोरों की तलाश जारी है। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार ने अपना काम करना शुरू कर दिया। लोकसभा चुनाव से पहले जोधपुर लोकसभा क्षेत्र को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी सौगात मिली। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रयास रंग ला रहे हैं। जोधपुर में एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट का कार्य शुरू होने जा रहा है। उदयपुर में केंद्रीय सड़क के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस प्रोजेक्ट की घोषणा कर दी है। चूरू जिले में भी किसान आंदोलन का असर देखा गया। इसके चलते गंगानगर हनुमानगढ़ की ओर जाने वाले वाहनों का रास्ता बदल दिया गया है। पुलिस सरदार शहर के अशोक स्तंभ पर बड़े वाहनों को अन्य रास्तों से भेज रही है। रास्ता बदलने के लिए कारण वाहन चालक परेशान होते दिखे।
कहीं वाहन चालक वाहनों को सड़क किनारे खड़ा कर आगामी आदेश का इंतजार कर रहे हैं। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। जिला प्रशासन, हॉस्टल एसोसिएशन और विभिन्न संस्थान लगातार छात्रों के सुसाइड रोकने की कोशिश कर रही है, इसके बावजूद कोचिंग स्टूडेंट फंदे पर झूल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला जब एक स्टूडेंट कोचिंग स्टूडेंट ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। ये कोचिंग स्टूडेंट 2 साल से कोटा में रहकर जेईई की तैयारी कर रहा था। राजस्थान के मौसम पर आज यानी मंगलवार को पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा, जिससे कुछ इलाकों पर बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है, जबकि मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया। हालांकि ज्यादातर इलाकों में मौसम के साफ रहने का अनुमान है। जयपुर मौसम केंद्र ने कोटा, सीकर, भीलवाड़ा समेत आसपास के क्षेत्र में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज़ में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।